इस वीडियो में मैं अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूं और मैं आज लाइव SIP करके अपने म्यूचुअल फंड को दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि मेरे म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा फंड है और मैं किस फंड में कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूं। ये म्यूचुअल फंड वाली जो वीडियो है मैं मंथली रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं। अगर आपको भी ये म्यूचुअल फंड वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप म्यूचुअल फंड और ऑप्शन के लिए कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हो, तो मैं दोनों के लिए एक ही अकाउंट यूज़ करता हूं जो कि जीरोधा है और ये एक ही अकाउंट से दोनों एप्लीकेशन रन करते हैं। जो जीरोधा का एक कॉइन एप्लीकेशन है जो कि म्यूचुअल फंड के लिए है और जो काइट एप्लीकेशन है वो स्टॉक मार्केट यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए है। तो चलिए मैं अपना कॉइन एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा कॉइन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और ये मेरा कुछ फंड शो हो रहा है जो कि टाटा टैक्स प्लान और नीचे भी तीन चार, मतलब टोटल मेरे 5 म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और किस म्यूचुअल फंड में मैं कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो मैं पर मंथ 26K अप्रोक्स जो कि है इन्वेस्ट करता हूँ और किस फंड में कितना रिटर्न मिलेगा अभी मैं आपको ये एक एक फंड को ओपन करके दिखा दूँगा कि किस फंड में एनुअली और 3 साल का और 5 साल का कितना इसका पिछला रिटर्न है। तो ठीक है, अभी चलिए हम पहले फंड को ओपन करते हैं जो कि PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हम अभी सबसे पहले देखते हैं एक साल, पिछले एक साल का कितना इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो एक साल के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर एक साल के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। तो पिछले एक साल में इसने 39.92% का रिटर्न दिया हुआ है, तीन साल में इसने 39.922 का रिटर्न दिया हुआ है और 5 साल में इसने 21% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, 0.40 है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फंड, जिसमें मैं 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड जो कि IT सेक्टर का फंड है और IT सेक्टर अभी बहुत गिरा हुआ है, तो इसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए इसका ग्राफ काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसका पिछले एक साल का रिटर्न देख लेते हैं। तो पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है 17.5% का, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें एंट्री करने के लिए। 2 साल में भी इसने 26% पर ईयर का रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 5 साल में इसने टोटल लगभग 28% का रिटर्न दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा फंड है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक्सपेंस रेशियो भी इसका बहुत कम है, 0.34%। नेक्स्ट फंड है टाटा टैक्स प्लान जो कि एक ELSS फंड है और ये टैक्स सेविंग प्लान है, ठीक है। और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.57, पिछले एक साल में 14% का रिटर्न दिया है और 2 साल में 48% का रिटर्न और 3 साल में 41% पर ईयर का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतरीन फंड है और पिछले 5 साल में 24% पर ईयर का इसने रिटर्न दिया हुआ है और इसमें मैं 10,500 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट फंड में। नेक्स्ट फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.52 है और इसने पिछले एक साल में 10% का रिटर्न दिया हुआ है, पिछले 3 साल में 29.82% का रिटर्न और 5 साल में इसने 21.5% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फंड है, स्मॉल कैप में सबसे बेहतरीन फंड ये एक तरह से देखा जाए तो है। नेक्स्ट है पराग परिक फ्लेक्सी कैप जो कि ये एक इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि जिसका इन्वेस्टमेंट US के स्टॉक्स में भी होता है जैसे अमेजन और एप्पल में, ठीक है। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक अच्छा फंड है। इसने पिछले तीन साल में 23.75 का 7.5 का रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 5 साल में इसने 17% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो हम नीचे देख सकते हैं इसमें देखिए यहाँ पे नीचे कौन कौन से स्टॉक में इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये नीचे देख सकते हैं अमेजन में भी इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो इसके अलावा और भी जितने US के स्टॉक हैं उसमें भी इसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए और इसमें 4,000 का मैं पर मंथ इसमें मैं SIP करता हूँ। तो चलिए ऑर्डर में चल के चेक करते हैं कितने म्यूचुअल फंड ओपन है पेमेंट के लिए। तो ये देखिए 3 म्यूचुअल फंड ओपन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन 3 म्यूचुअल फंड में पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बचे हुए जो 2 म्यूचुअल फंड है उसमें हम सिंगल सिंगल करके पेमेंट कर देंगे।
अभी जो दो बचे हुए फंड थे जिसमें कि एक में 3K और दूसरे में 4K इन्वेस्ट करना है, उसको हम सिंगल सिंगल करके इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अभी हम इसको चेक करने के लिए अभी चलेंगे अपने जीमेल में और वहाँ से चेक कर लेंगे कि हमारे, तो ये जीमेल हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे देख लीजिए हमने टोटल 5 म्यूचुअल फंड में SIP किया है और ये 5 म्यूचुअल फंड नीचे शो हो रहा है। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई जानकारी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।